नशे के घन विद्रोह में नौजवान पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव में रहने वाले 41 वर्षीय राजीव विशिष्ट ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति उत्साहित कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे में न होकर खेलों के प्रति हो। राजीव विशिष्ट ने बताया कि इस नशे के घर में रोज सुबह लगभग 200 युवा बांटते और कसरत करने आते हैं, जो कि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए नहीं दिखता था। नशे के गढ़पद्रोह में नौजवान पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव के रहने वाले 41 वर्षीय राजीव वशिष्ठ ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के लिए प्रति उत्साहित कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे में ना होकर खेलों के प्रति हो। राजीव वशिष्ठ ने बताया कि इस नशे के गढ़ में रोज सुबह लगभग 200 युवा भागते और कसरत करने आते हैं, जो कि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए नहीं दिखता था। राजीव सिस्ट ने इसमें डेनकवर स्कूल में बतौर हिंदी प्रवक्ता की पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे साथ युवा लड़के हर रोज देर रात तक अलग अलग टोलियों में सड़क पर घूमते रहते हैं और निगाह रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन ना करे और इससे बचे। कई लोगों को जो कि नशा बेचते हैं उनको पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जा चुका है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजीव वशिष्ठ पर हर समय खतरा मंडराता रहता है। पता नहीं कब नशे के कारोबारी उन पर हमला कर दे, परंतु फिर भी उनका एक ही लक्ष्य है कि वे युवा पीढ़ी को किसी भी हालत में नशे से दूर रखे। कुछ दिन पहले मेरे रिक्वेस्ट करने पर कांगड़ा वॉलीबॉल एसोसिएशन संघ ने यहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराने का, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराने का फैसला किया। इस पर वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारा यह भी मोटिव रहता है कि हमारा जो उपद्रव है ये नशे का घर बन चुका है। सिर्फ खेल कूद के द्वारा ही हम बच्चों को नशे से दूर कर खेल कूद की तरफ लाकर इन बुराइयों से हम इसको दूर रख सकते हैं। और यहाँ पर पिछले 4 दिन से वॉलीबॉल कैंप लगा हुआ है। जो टीम यहाँ से जो टीम तैयार होगी वो हमारी 11 तारीख को रोडू के लिए जहाँ पर सीनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है वह उसमें वो भाग लेगी। वॉलीबॉल पीढ़ी के लिए यहाँ पर पूरे हिमाचल में अगर गढ़ माना जाता तो भद्रवा और शनि माना जाता। पुलिस भी इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। उसके साथ साथ हम लोग खेल कूद के माध्यम से, चाहे वो कारगर टूर्नामेंट है, चाहे वो शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो डेंगा में कराया जाता है, कबड्डी के टूर्नामेंट के कई करवाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि भद्रवा के एरिया में कोई भी लड़का सुबह भागता दौड़ता नजर नहीं आता, लेकिन पिछले 4-5 साल से हमने जो अभियान चलाया है तो आज तक आप सुबह देखें तो कम से कम 200-250 बच्चे के आसपास यहाँ पर सुबह कसरत और दौड़ धूप करता हुआ बच्चा दिखाई देता है, शरीरी कसरत करता हुआ बच्चा दिखाई देता है। इसके अलावा सुबह का हमारे जो सुबह का शेड्यूल है उसमें आसपास के इंदौरा, नूरपुर, डैगवा, लोधमा, बाड़ीघाट, टिपरी, यहाँ से बच्चे सुबह मेरे पास आते हैं और उनको चाहे वो आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे उनको उसके रिटन टेस्ट की को भी क्वालिफाई करने की जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मेरा नाम रमेश पठानिया, मैं काठगर मंदिर कमेटी का सुधार सभा का प्रचार सचिव हूँ और जैसा कि मैं टूर्नामेंट करता हूँ अपने गाँव में हर साल और जी इस टूर्नामेंट की वजह से मैं जी के साथ जुड़ा हूँ। 8-10 साल से हमें स्पोर्ट्स में काफ़ी हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और स्पोर्ट्स का जो मतलब कि युवा पीढ़ी को उनका ध्यान जो नशे की तरफ जाता है उनका ध्यान खेल की तरफ जाए, जिससे खेल भावना और प्रेम भावना लोगों में बढ़ती है। और जी जो कि हिमाचल नेशनल वॉलीबॉल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अंडर 19 के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, और अभी ये डेंगो स्कूल में टीचर भी जॉब पर कर रहे थे और काफ़ी अच्छी इन्हें अकेडमी चलाई है। मैं हर हफ्ते अपनी टीम लेके इनकी टीम के साथ प्रैक्टिस मैच करने आते हैं और इनका काफ़ी योगदान है। जाओ चिट्टे का गाना जैसे ये भद्रवा शनि के लिए काफ़ी इन्हें पुलिस की सहायता और 1-2 स्वयं से संस्थाओं के साथ भी हम दोनों जुड़े हुए हैं
हमारे साथ एक्सेल्स मैन लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह जी बैठे हैं और साथ में कोच गोभी जी बैठे हैं, मीथल से बिलोंग करते हैं। हमारा यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है कि जो नशा मुक्त करना, बस यही है हमारी।